आज हम 10 मई हेलो अरे गुरदीप तू इसी को ज्वाइन नहीं करे क्लास को यहाँ आज 10 मई 2021 को जैसा कि हम जानते हैं कि आज 664 साल पहले 1857 की क्रांति शुरू हुई थी और 1857 की जो क्रांति है उसके भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें हम एक भारत सरकार के निर्देश पे एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं जिसको हम कहते हैं बाजर आजादी का अमृत महोत्सव, यानी भारत की जो आजादी 1947 में मिली थी उसको 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। वो 75 सालों तक, यानी 75 साल 2022 में पूरे हो जाएंगे इसके, तो हर बार कुछ न कुछ मतलब हम ये सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि कुछ न कुछ ऐसा भाई इतिहास के बारे में भूली बिसरी बातें जिनको लोग भूल चुके हैं उनके बारे में कुछ व्याख्यान करवाए जाएं या गूगल मीट या फिर जैसे कॉलेज तो हमारे फिलहाल बंद है, तो इस दर पर जो छोटा सा प्रयास हम कर सकते हैं गूगल मीट के माध्यम से तो वो आज कर रहे हैं। तो इसमें हमने दो कार्यक्रम रखे हैं, एक तो ये है कि एक्सटेंशन लेक्चर रहेंगे, दूसरा है डिक्लेमेशन कंपटीशन, यानी भाषण प्रतियोगिता। और भाषण प्रतियोगिता के से ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए जो भी विद्यार्थी, जैसे हमारे पास कुछ नाम आए कुछ बच्चों के, वो तो हैं ही, उसके अलावा कोई और भी बच्चा अगर इसमें भाग लेता है तो उसको हम प्रोत्साहित करते हैं या फिर उसका स्वागत करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिंदगी में बोलने के अवसर बहुत कम मिलते हैं, जब आपको बोलने का अवसर मिले तो आपको उसका पूरा कहते ना कि फायदा उठाना चाहिए, तो उसी सिलसिले में हम ये आज की सारी बात रखेंगे। और हमारे साथ और अंग्रेजों ने 7वीं पलटन को घेर लिया और समझौता अंग्रेजों के सामने करना पड़ा। इस अम्बाला में जो छावनी थी अंग्रेजों की, इसमें ये तय कर दिया गया था कि इस आंदोलन में कि अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ तो हिलानी है, लेकिन सैनिक छावनी होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने कुछ ऐसी कंडीशंस रख दी थी भारतीयों के सामने, जैसे कि अभी बच्चों ने बताया भी कि बंदूकों को जो थी वो एनीफील्ड राइफल यूज करनी है, ना कि बंदूक। एनीफील्ड राइफल में जो उसका वो होता था मेटेरियल, वो चमड़े का बना होता था, जो कि धार्मिक भावना को, लोगों की धार्मिक भावना के ऊपर आघात डाल रहा था, इसलिए लोगों को ये बात सहन भी नहीं हो रही थी। लेकिन कुल मिलाकर ये हुआ कि इतने प्रयासों के बावजूद 7वीं पलटन को घेर लिया और फिर अंग्रेजों के सामने भारतीयों को थोड़ा समझौता करना पड़ा। लेकिन बात यही नहीं रुकी, 13 मई को गुड़गांव से 300 सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े और उन्होंने बिजवासिन के पास विलियम फोर्ड ने रोकना भी चाहा, पर वो असफल रहे। फोर्ड डर के मारे भाग गए और कुछ मेवों ने इनका साथ दिया और मेवाड़ तक पहुंच गई ये आग। ये चिंगारी की आग गुड़गांवा के 40 क्षेत्र में अहिरवाल में आग भड़क गई और इसका नेतृत्व जो था राव तुलाराम ने किया और उनके चचेरे भाई गोपाल ने, और उसके बाद बल्लभगढ़ तक पहुंच गए और राजा नाहर सिंह ने इनका नेतृत्व वहां पर बल्लभगढ़ में संभाला। सरकार ने एक नेतृत्व में बड़ी सेना को यहां भेजा ताकि इस काम को रोका जा सके, इस आंदोलन को रोका जा सके। इस सेना में लगभग 9000 सैनिक तोपखाने के साथ आए और काफी संघर्ष चला। ये संघर्ष सोना और तावड़ू के मध्य हुआ, लेकिन अंग्रेज जो थे वो इस आग को दबा नहीं पाए। परिणाम स्वरूप राजपूतों ने शिवनाथ ठाकुर के नेतृत्व में
अपनी आवाज उठाई और उसको आगे बढ़ाया। साथ ही साथ हिसार की मैं बात करना चाहूंगी कि मई के तीसरे सप्ताह में यहाँ भी आंदोलन का स्वरूप तीव्र हुआ और इस क्रांति को हिसार सिरसा हासी स्थित जो हरियाणा लाइफ इन्फेंट्री के सैनिक थे उनके दस्ते जो थे सफलतापूर्वक संपूर्ण जनता के साथ इस क्रांति में शामिल हुए और नेतृत्व किया शहजादा मोहम्मद आजीम ने और दिल्ली के शाही घराने के थे और अंग्रेजों की इन्होंने नींद उड़ा दी। फिरोजपुर के जो डीसी थे कोटलैंड उनके नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी गई। जैसे आपको मैं बता रही हूँ बेटा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जैसे जैसे आंदोलन का रूप तीव्र होता गया उस डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन को दबाने के लिए सेंटर से यानी कि दिल्ली से अंग्रेजों ने जो थी अपनी सेनाएं भेजी ताकि उनके कामों में उनके आंदोलन को रोका जा सके। लेकिन ये हमारे हरियाणा वासियों की दबंगियता ही कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं किसी भी अपनी जान की बाजी लगाकर किसी भी हद तक उस आंदोलन को सफल बनाने में एक नया अंजाम दिया। तो इस कोटलैंड के नेतृत्व में जो सेना भेजी गई उन्होंने रास्ते में ओढ़ा है रानिया के पास और नूर मोहम्मद खान ने उनका मुकाबला किया और काफी उन्होंने इसको परस्त करने के लिए उपाय भी किए लेकिन वो हार गए और 530 क्रांतिकारी लेकिन ये नुकसान हुआ 530 क्रांतिकारी इसमें शहीद हो गए। इसके साथ ही मैं बताना थोड़ा रोहतक पर प्रकाश डालना चाहूंगी। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जनता ने बहादुर शाह को अपना नेता बनाया। इस विद्रोह को रोकने के लिए अम्बाला की 60वीं रेजिमेंट जो थी उसको भेजा और इसने स्वयं विद्रोह भी शुरू कर दिया। ब्रिटिश ने हडसन के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और विरासत अली के नेतृत्व में खरखोदा में भी सेना भेजी गई परंतु सफलता अंग्रेजों को मिली क्योंकि इनकी सेना जो थी वो कुछ ज्यादा थी और भारतीय जो ना जो ये रोहतक के जो लोग थे ये इतने अभी संगठित नहीं हो पाए थे। लेकिन साथ में हमारे कुछ दुष्परिणाम ये भी हुए या हमारे लिए हानिकारक जो फैक्टर थे ये भी सिद्ध हुए कि हमारे जो राजा थे राजघराने के जो लोग थे वो साथ साथ अंग्रेजों की मदद कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज उनको कुछ विशेष प्रावधान कुछ विशेष उनको सहूलियतें देते थे तो अंग्रेजों से वो दबते थे और साथ साथ वो भारतीयों के चिंता करने के अलावा अंग्रेजों की मदद करते थे। यहाँ भी जिंद के राजा ने उनकी मदद की और अंग्रेजों की स्थिति इसलिए थोड़ी मजबूत हो गई। ऐसे ही पानीपत और थानेसर अनेक क्षेत्रों में लोगों ने अंग्रेजों से अपने आप को मुक्त करा लिया और यमुना किनारे बसे जो भी गुजर कैथल में असन जलमाना के जाट कोल और अमीन के रोड कुरुक्षेत्र के सैनिक लाडवा के सिख और अन्य जातियां इसमें शामिल हुई उन्होंने अपने क्षेत्र को अंग्रेजी व्यवस्था से अलग कर लिया और इन क्षेत्रों से दिल्ली क्योंकि ये जो क्षेत्र थे ये दिल्ली से पंजाब के रास्ते में जोड़ने वाली सड़क से जुड़े हुए थे और इसलिए उन्होंने बायकॉट कर दिया। अंग्रेजों ने देसी राजाओं की मदद की फिर गुहार की और उनकी मदद के लिए पटियाला के राजा ने 1500 सैनिक और तोपे भेज दी। ऐसे ही जींद से भी राजा ने 400 और करनाल से 150 सैनिक भेज दिए परंतु ये सैनिक मुख्य सड़क कब्जा नहीं कर पाए और फिर आखिर में दिल्ली से एक विशाल सेना का आयोजन किया गया। एक विशाल सेना भेजी गई और पानीपत के इलाके में जो है मई के आखिर में पंजाब की एक टुकड़ी ने ब्रिटिश सेना को मजबूत बना दिया। पंजाब की टुकड़ी ने इनकी मदद की और इस प्रकार से वो अपने आप को उस सड़क से जोड़ने के लिए कामयाब हो गए। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था ये 1857 का पहला स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें संपूर्ण भारत जो था वो संगठित रूप से इस विद्रोह में शामिल हुआ और अपना उन्होंने हर तरह से साम्राज्य की स्थापना को इस शोषण से बचाने के लिए जो है हर काम किया और इसमें हरियाणा के लोगों ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई। ये मेरा एक थोड़ा सा हरियाणा के बारे में बताना जो था ये आज का मेरा थोड़ा सा विषय था कि मैं इसमें बच्चों को ये बताना चाहूँ कि हरियाणा के लोग कभी भी जो है किसी भी काम में पीछे नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि आज़ादी में या सेना में आपको की सबसे ज्यादा जो बढ़ती है वो हरियाणा की तरफ से ही होती है। धन्यवाद सर। ये आज मेरा यही तक था बताना कि बच्चों को। थैंक यू मैडम जी। और आपने जो लेक्चर दिए वास्तव में बहुत बढ़िया है। बिल्कुल इतनी सारगर्भित जानकारी आपने दी
उसके लिए हम इतिहास विभाग की तरफ से और बच्चों की तरफ से आपके बिल्कुल हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा लग गया था वास्तव में, बहुत बढ़िया लगे बारे में जो जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी। इसके बाद मैं अजय सर से गुजारिश करूंगा अपनी बात रखें और सवीर सर से गुजारिश है कि वो अपनी बात रखें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम एक माइक ऑफ कर लें। हाँ जी, हाँ जी सर। माय रिस्पेक्टेड कोलीग्स और प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो ये जैसे आज जो हम सेलिब्रेट करें 10 मई, तो इसको जो है भारतीय इतिहास में क्रांति दिवस के नाम से मनाया जाता है। और दूसरा जैसे मैडम ने काफी विस्तार से बताया और आप लोगों ने बीच में काफी डिस्कस किया, तो काफी सारगर्भित जानकारी जो है ये निकल के सामने आई है। और एक बात ये, थोड़ा सा बच्चे अगर थोड़ा सा और ज्यादा पार्टिसिपेट करते तो काफी अच्छा रहता है। मेनली जैसे हमने डिस्कस किया था कि वही क्रांति हुई है, पहली क्रांति जो मेन अंग्रेजों के खिलाफ मानी गई है। और क्योंकि इतिहास में आप देखते कि कोई भी क्रांति जो है वो एकदम से और एक ही एक टाइम उसके लिए नहीं होता कि जैसे मान लीजिए दो अब बार बार हम कहेंगे 10 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, तो उसके पीछे काफी सारा जो समय लगा था। और अगर इससे पहले भी देखेंगे तो जो छोटे छोटे विद्रोह हैं, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह है, और जो आदिवासियों के विद्रोह हैं, वो भी काफी सारे विद्रोह होते गए थे। तो समय के साथ साथ जो है काफी सारी चीजें जुड़ी और फिर बाद में जो है इनको लीड किया जो इस समय के जो खासकर हम कहते हैं कि जो नवाब या रियासतों के प्रधान थे, उन लोगों ने जो है इस चीज को लीड किया। एक जो फैक्ट मुझे मिला कि इस जो क्रांति में हम देखते कि 7 जो भारतीय रियासतों के जो लोग थे वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जबकि 21 ऐसी रियासतें थी जो कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे कई बार बोलते कि वही जब हम इसके देखते परिणामों में कि एकता का भाव था, तो यहाँ पे जो है ये चीज बिल्कुल उभर के सामने आते कि 7 लोग जो है, 7 जो बड़ी रियासतें हैं वो आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही हैं, और जो 21 रियासतें हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ हैं और वो जो है भारतीयों के लिए चुनौती पेश करें। जैसे मैडम ने भी बताया था हरियाणा का जींद है, पटियाला है, नाभा है, ये जो रियासतें थी इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। दूसरी बात जैसे इसमें एक हिस्टोग्राफी या हिस्ट्री राइटिंग में होता है कि भाई जो आजादी के बाद इतिहास लिखा गया था, तो काफी सारे इतिहासकार थे जिन्होंने अपने अपने इस पे विचार रखे। तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई जैसे वही अपने हरियाणा में कहा होती भी है कि भाई जिसके खावा बा करे उसके गावा गीत। तो नॉर्मली क्या होता था कि इंडिपेंडेंट आजादी से पहले जितनी भी पुस्तकें लिखी गई थी लगभग सभी किताबों में जो है जो ये बड़ा जो क्रांति हुई थी उसको एक सीमित शब्दों में देने का प्रयास किया गया। किसी ने उसको एक सैनिक विद्रोह लिखा, किसी ने उसको रियासतों के द्वारा किया गया विद्रोह लिखा है, कोई जो है ना उसको भी कई बार सैनिकों का विद्रोह लिख रहे हैं, तो यानी कि उसको एक छोटा प्रीफेस देने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले जो है जो वीडी सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने जो है कुल के इनकी एक पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, कि भाई भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार से जो है भारतीयों ने संग्राम लड़ा और युद्ध लड़ा, और उस युद्ध में दक्षिण भारत का थोड़ा सा भाग छोड़ के लगभग जो है पूरे जो भारत के जो लोग थे उन्होंने इसमें भाग लिया। दूसरी बात जैसे इसमें बार बार हम कहते हैं कि भाई ये एक छोटा संघर्ष नहीं था, एक पूरी क्रांति थी। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे इसमें आपने देखा होगा कि प्रारंभ के जो कारण थे कि भाई रोटियां बेल के जो है हर गांव गांव तक वो चीज घूमी है, सैनिकों ने उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, जो जो रियासतों के जो नवाब थे या शासक थे उन्होंने उसके अंदर अपनी रुचि दिखाई है, किसानों ने रुचि दिखाई है, मजदूरों ने भी रुचि दिखाई है।
यानी कि कुल मिला के जो है जो जो एक बड़े स्तर पर देखते हैं कि ये जो है एक छोटी क्रांति नहीं था, ये एक संघर्ष था और आजादी का संघर्ष था। बेशक जो है उस समय पे ये संघर्ष हम देखते हैं कि सफल नहीं हो पाया, काफी सारे कारण थे, मोहित ने बताया। लेकिन उसके जो प्रभाव हम देखते हैं बाद में कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी, उनको भी ये लगा कि भाई अब जो है चीजें ऐसी नहीं चलेंगी। जैसे उसमें जो पहला बड़ा जो परिवर्तन हुआ 1857 में, जो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया सारा का सारा सेटअप, वायसराय नियुक्त किया गया और जो सेना में परिवर्तन किया गया, और फिर हम धीरे धीरे देखते कि जो जो भारतीय पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ उठना और संघर्ष करना आरंभ कर दिया। उसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, और फिर जो है वहीं से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है वो आजादी के लिए जो है दोबारा से संघर्ष है वो आरंभ हुए थे। तो परिणामों में ये नहीं है कि भाई वो जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे जिसके अंदर काफी सारे नाम है कि वो इस समय समय पर उनको पकड़ के शहीद कर दिया गया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे हैं, ये सारे शहीद हो गए। तो ये नहीं कि उनके मरने के बाद जो है वो क्रांति की अलख वो समाप्त हो गई। उससे जो है धीरे धीरे नए लोग पैदा हुए, और फिर हम देखते हैं कि वो संघर्ष जो है आगे चलता रहा, और फिर उसकी जो है स्वरूप है उसमें बदलाव होता गया, और फिर अंततः हम देखते हैं कि 1947 में जो है वो भारत में आजाद हो गए। ठीक है सर, इतना ही बोलना था मुझे, थैंक यू। चलो ठीक है सर, थैंक यू। सुबिन सर ठीक है, आपसे भी चाहेंगे कि दो चार बातें आप भी रखें। ठीक है सर, मेरी आवाज आ रही है सर, एक बार बताना। हाँ बिल्कुल आ रही है सर। सर सब सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड के अपने प्रिंसिपल सर और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अमरदीप सर का हम हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो समय समय पर ऐसे रोचक कार्यक्रम बच्चों के लिए लेकर आते रहते हैं और हम सभी को उसमें मतलब भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों हम इस जो अपने जो 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई से, उससे पहले का हम इसके थोड़ा ऐतिहासिक जो इसका पृष्ठभूमि थी उसको जानने का हम यहाँ पे थोड़ा प्रयास करेंगे। इसके बारे में काफी कुछ बातें मेरे से पहले वक्ताओं ने कह दी हैं, लेकिन एक दो बातें मैं भी उनमें ऐड करना चाहूंगा। तो इसकी जो ये विद्रोह होता है इसका प्रारंभ 25 फरवरी को बैरकपुर से होता है, वहां पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कुछ सैनिक बेरामपुर पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जो राइफल जो ब्रिटिश सैनिक यूज करते थे वो करते थे ब्राउन ब्रांस, लेकिन दिसंबर 1856 में ब्राउन ब्रांस राइफल की जगह उन्होंने एनफील्ड राइफल यूज करनी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले 3 ट्रेनिंग सेंटर खोले गए, दमदम में, अंबाला, सयालकोट, जहाँ पे एनफील्ड राइफल चलाने की ट्रेनिंग सैनिकों को दी जाती थी। तो सबसे पहले दमदम सेंटर से ये बात बाहर निकल के आई कि चर्बी वाले कारतूस यूज किए जाते हैं एनफील्ड राइफल में। तो वहां से वो बात बैरकपुर पहुंचती है और उसके आगे चल के सारा घटनाक्रम होता है। तो सबसे पहले जो सैनिक बेरामपुर पहुंचे थे वो वहां की छावनी के सैनिकों से बात करते हैं कि इन जो हम नई राइफल की ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें जो चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किए जा रहे हैं उन पे गाय व सुअर की चर्बी का लेप है, ये दोनों पशु हिंदू और मुस्लिम के लिए धार्मिक कारणों से महत्वपूर्ण थे, इसलिए सैनिकों में रोष पैदा होता है। तो सबसे पहले 29 मार्च को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने इन राइफलों को चलाने से इनकार कर दिया, और दो अंग्रेज अधिकारियों सार्जेंट मेजर जेम्स और लेफ्टिनेंट बेपदे पर वहां पर हमला कर दिया, और मंगल पांडे को हवलदार शेख पलटू ने पकड़ लिया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसी प्रकार मंगल पांडे को पकड़ने से इनकार करने वाले दूसरे सिपाही ईश्वरी प्रसाद पांडे को भी 21 अप्रैल को फांसी दे दी गई और उनकी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उसके बाद ये बात 24 अप्रैल को मेरठ में 3री भारतीय घुड़सवार सेना के तक पहुंची और उस घुड़सवार सेना के 90 सैनिकों ने
इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया, इन सैनिकों को सेना से बर्खास्त कर दिया गया और इनकी 10 साल की कारावास की सजा दे दी गई। तो ये हमें इतिहासकारों द्वारा लिखा हुआ और हमें बाद में देखने को मिलता है कि एक अवधारणा है कि वहां के तत्कालीन जज जेसी विल्सन के अनुसार 9 मई की शाम को जब कुछ सैनिक मेरठ में घूम रहे थे तो महिलाओं ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारे भाई, भारतीय भाई जेल में है, वो अपने धर्म की रक्षा कर रहे थे और तुम यहाँ बाजार में मक्खियां मार रहे हो, तुम्हें अपने जीवन पे धिक्कार है। तो ऐसा माना जाता है कि उन महिलाओं के ताने ने उन सैनिकों को प्रेरित किया और रविवार 10 मई को उन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने भारतीय सैनिकों को छुड़ा लिया और उन्होंने दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर दिया। दिल्ली में उस समय का शासक बादशाह बहादुर शाह जफर थे। उस समय रोजे रमजान का महीना चल रहा था और वो अपना दिन का पहला भोजन ही लेकर उठे थे कि उन्होंने शहर में धुआं उठता दिखाई दिया। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को भेजा कि इसका इसका इसके बारे में पता लगाइए। तो बाद में मेरठ से जो सैनिक आए हुए थे उन्होंने बहादुर शाह जफर से प्रार्थना की कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, लेकिन बहादुर शाह जफर कहते हैं कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है, मैं आप लोगों को वेतन कहाँ से दूंगा। तो सैनिकों ने उत्तर दिया, हम लोग हिंदुस्तान भर के अंग्रेजी खजाना लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। और इस प्रकार से बहादुर शाह जफर ने एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रांति का नेतृत्व किया। और उस समय के दौर में एक वहां का एक नारा प्रचलित हुआ कि खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म सूबेदार सिपाही का। ये नारा चला उसमें कि यानी खलक यानी आसमान खुदा का है, ये देश बादशाह का है और यहाँ पे हुक्म चलेगा सूबेदार और सिपाही का, जो मेरठ से विद्रोह करके आए थे और उन्होंने भारतीय सैनिकों को साथ लेकर आया। मैं अपनी बातों को ज्यादा न कहते हुए इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और बस। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी हमारे सामने एक प्रिया शर्मा का मैसेज आया है, वो कुछ अपनी पोएम NBFS की लड़की है, वो अपनी पोएम सुनाना चाहती है। तो प्रिया शर्मा अगर आप हैं तो अपनी पोएम सुनाइए प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, मैम। सर मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं चार लाइन सुनाना चाहती हूँ 1857 की क्रांति के ऊपर। चलो ठीक है बेटा, ठीक है सुनाओ। कि नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगती हूँ मैं। कि पथ पर रुको नहीं, खुदारी में झुको नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगती हूँ मैं। कि पथ पर रुको नहीं, खुदारी में झुको नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगती हूँ मैं। ये भगत सुभाष या सिफाक बिस्मिल की तरह, देश प्रेम वाली वो कहानी मांगती हूँ मैं। कि खुद को मिटा दू देश के लिए मैं हंस कर, महाराणा जैसी वो जवानी मांगती हूँ मैं। कि खुद को मिटा दू देश के लिए मैं हंस कर, झांसी वाली जैसी वो जवानी मांगती हूँ मैं। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी पोएम थी आपकी। इसके बाद हम अपने अंतिम प्रभाव की तरफ पहुंचते हैं। अनिता मैडम कुछ कह रहे थे क्या आप? जिस तरह से अभी आप लोगों ने, सबसे पहले हमारे विद्यार्थियों ने बात रखी 1857 की क्रांति के विभिन्न पक्षों के ऊपर, और उसके बाद मैडम अनिता रानी ने जिस तरह से एक विस्तृत व्याख्यान हमारे सामने रखा,
और पूरा हरियाणा का इतिहास 18 स्थान के परिप्रेक्ष्य में वो सब के सामने रखा। इसमें अगर बात की जाए और उसके बाद फिर अजय सर ने भी बड़ी अच्छी बातें रखी, सवीर सर ने भी जो 18 स्थान का जो 10 मई की जो कहानी थी उसके बारे में बात रखी। जिस तरह से सवीर अजय सर ने बात रखी थी कि आजकल जो स्टडी हो रही वो 18 स्थान के विद्रोह, क्रांति, स्वतंत्र संग्राम के अलग अलग मायने हमारे सामने रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 18 स्थान का जो अध्याय लिखा गया उस समय पर वो हमारे इतिहास का एक गौरवमयी क्षण था, एक हम अविस्मरणीय अध्याय उसे हम अपने इतिहास का मानते हैं। और एक तरह से जब हम इतिहास की बात शुरू करते हैं और खासकर जब हम आधुनिक इतिहास की बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले जैन में 18 स्थान की क्रांति ही याद आती है, या वो स्वतंत्रता संग्राम था, जो भी था, हमें किसी एक पक्ष की तरफ नहीं जाना है, मगर ये है कि 18 स्थान का जो घटना हुई उस घटना ने पूरे इतिहास के ऊपर या फिर पूरे जो भारत का आजादी का संघर्ष था उसके ऊपर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसने हर बच्चे बूढ़े को युवा को एक कहते ना कि मतलब एक जोश से भर दिया। वो जोश ऐसा था कि जिसने भारत की आजादी के लिए चाहे वो बच्चे थे, क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरह से खुदीराम बोस या अशफाकुल्ला जैसे जो लगभग बच्चे थे उस समय की उम्र के, सबसे युवा क्रांतिकारी या युवा शहीद भी उनको माना जाता है अशफाकुल्ला को, तो वो लोग जब भारत के लिए मर मिटने को तैयार हो गए तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो उनको आई होगी, ये तो बच्चे बहुत सारे थे। आज भी हम जब बात करते हैं इतिहास को लेकर के, जैसे अभी अनिता मैडम ने कहा था कि हमारे बच्चे, क्योंकि जो मैसेज था वो सबके पास भेजा गया था इस मीटिंग में जुड़ने का, मगर ये कि कुछ बच्चे ही उनमें से बाहर निकलते हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये जो आप इंटरेस्ट दिखाते हो ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है आगे चलकर, और व्यक्तित्व का हिस्सा जब बनता है, जब हम कभी स्टूडेंट थे, छोटी सी हम दो डाइवर्ट करते हैं इस चीज को थोड़ा सा, जब मैं स्टूडेंट था बीए में, आप लगा लो 1999 से 2002 के बीच में मैंने बीए की थी गवर्नमेंट कॉलेज मैम से, और उस समय पर हम शायद ही कोई प्रोग्राम देखते थे कि जब चाहे वो आजादी के बारे में हो, इतिहास के बारे में हो, ज्योग्राफी के बारे में हो, हिंदी के बारे में हो, कुछ भी हो, इस तरह की एक्टिविटीज बहुत कम होती थी। मैं ये नहीं कहता हूं उस समय के जो टीचर थे वो नहीं करते थे, मैं हो सकता है कि उस समय इतनी अवेयरनेस या फिर इस तरह की बातों की इतनी आवश्यकता नहीं मानी जाती थी, मगर जिस तरह से हमारे एक तरह से हम कहते ना कि एक वाक्य है जिसने पूरी जिंदगी का फलसफा बदला है, पहले हम कहते थे कि भाई खेलोगे तो खराब हो जाओगे, तो खेलने को इतना तवज्जो नहीं दी जाती थी, मगर जिस तरह से खेल के क्षेत्र में विभिन्न सुविधाएं मिल रही हैं और विभिन्न प्रकार की उगदने की सम्मान मिल रहा है, जो बच्चे अच्छा खेलते हैं मेडल जीतते हैं, तो अब वो खेलोगे तो खराब होने वाली बात बिगड़ के अब कहते हैं खेलोगे तो अपना जीवन भी सुधारोगे आप, यानी खेलोगे तो आप नवाब भी बनोगे, वो वाली कहानी हो चुकी है। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि व्यक्तित्व में सिर्फ एक हिस्सा नहीं होता है पढ़ाई का ही, आपको व्यक्तित्व में हर प्रकार की जो जो भी कंपटीशन हो रहे हैं, क्योंकि आप बीए में हैं, एमए में हैं, इसके बाद अगर फर्दर आप एजुकेशन नहीं ले पाते हो तो आपको कभी दोबारा बोलने का मौका तक नहीं मिलेगा कभी। तो हमारा ये प्रयास रहता है हमारे इतिहास विभाग का कि, और हमारे कॉलेज में जैसे नीता मैडम भी काफी प्रोग्राम करवाती रहती है, वोटर डे पे अगर इन्होंने क्विज करवाया था, उससे पहले इन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस का क्विज करवाया था एक, तो ये भी एक्टिवेट है एक तरह से मैडम। तो इसका एक ही मकसद है कि बच्चों को हर प्रकार से उनके करियर में किस तरह से हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं आपकी हिचक नहीं निकलेगी, और बोलेंगे तो, क्योंकि आज जमाना सिर्फ उसी का है जो बोलता है,
और वर्तमान संदर्भ में तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ही है। अगर आप बोलते हैं तो आप आगे निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोबारा से अगर हम बात करें दारिस्तानी क्रांति की, तो जिस प्रकार से दारिस्तानी क्रांति प्रारंभ हुई, एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। एक माझा प्रवास, ये थी महाराष्ट्र में विष्णु भट्ट गोडसे। माझा प्रवास मराठी में लिखी एक संस्मरण है। इस संस्मरण में, ये मराठी भाषा में काफी ये फेमस है, कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो 1857 की क्रांति के बारे में भी इसमें एक घटना छपी है। विष्णुनाथ, जो विष्णु पंडित लिख क्या नाम लेते, विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे जब अपने गांव से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको सैनिक मिलते हैं और सैनिक उनसे कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि मैं अपने पड़ोस में कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ। वो तो कहता है कि आप वापस लौट जाइए। 3 दिन के बाद बहुत ज्यादा घमासान युद्ध छिड़ने वाला है। वो कहता है कि ऐसा क्या हुआ। तो जो सैनिक थे उनको बताते हैं कि अंग्रेजों ने 84 नियम की सूची बनाई और इन 84 नियमों के माध्यम से वो हर भारतीय का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। राजाओं को उन्होंने वो नियम पढ़कर सुना दिए और उन नियमों को सुनने के बाद राजाओं ने ये एक तरह से अंग्रेजों को चेताया है कि अगर आप ये नियम लागू करते हैं तो इन 84 नियमों के लागू होने के बाद भारतीय समाज में, राजनीति में उथल पुथल आ जाएगी। मगर अंग्रेज इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, वो इन नियमों को लागू करना चाहते हैं। तो राजा, जैसा अंग्रेज जो सैनिक थे वो उनको विष्णु गोडसे को बता रहे हैं, विष्णु भट्ट गोडसे को, कहते राजा अभी अपनी राजधानी में लौट गए हैं और वो लोग आपस में, मतलब अपने अपने क्षेत्र में एक संग्राम की तैयारियां करने लग रहे हैं और इन संग्राम की तैयारियों में अब सैनिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और एक बड़ा घमासान होने वाला है, इसलिए आप वापस लौट जाए। एक ये चीज थी। दूसरी अगर हम बात करें, एक सूबेदार थे सीताराम पांडे, जो 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। उन्होंने अपना संस्मरण लिखा था, जो सूबेदार की पोस्ट से रिटायरमेंट हुए थे 1860 में, 40 साल की सेवा करने के बाद। उसमें सूबेदार से बड़ी पोस्ट भारतीय में नहीं होती थी, तो अंतिम पोस्ट सूबेदार की थी, उस पे से वो रिटायर होते हैं। और एक अफसर थे नॉर्गेट, वो उन्हें एक तरह से कहते हैं कि आप अपना संस्मरण लिखें 40 सालों का, जो आपने 1812 से 38 सालों का या 48 सालों का आप लिखें। तो वो अपना संस्मरण लिखता है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक। 1861 में ये लिखा गया और नॉर्गेट ने ही इसको, ये उन्होंने तो लिखा था इसको अवधी भाषा में, और नॉर्गेट ने इसे इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया। उसमें वो लिखते हैं कि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में उनका बेटा भी उनके सामने मारा गया था। हालांकि जो सूबेदार था सीताराम पांडे, वो अंग्रेजों की तरफ से विद्रोह को दबा रहा है, मगर सीताराम पांडे का बेटा अपने बाप के खिलाफ जाकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास कर रहा है और उस प्रयास में वो मारा भी जाता है। सीताराम पांडे के सामने उसको फांसी दी जाती है। ये घटना भी इस अवधि भाषा में लिखी है, मगर जो इसने सबसे महत्वपूर्ण जो बात लिखी है वो संस्मरण के तहत सीताराम पांडे लिखते हैं। वो कहते हैं मेरा मानना है कि अवध में हुए कब्जे से, यानी अवध में जो 1856 में जो विद्रोह से पहले जो अवध का विलय किया गया था, यानी अवध अभी तक भारतीय जनता या फिर जितने भारतीय राज्य थे उस समय के, उनमें उस तरीके से नहीं आता था कि उसका विलय किया जाए, मगर लॉर्ड डलहौजी हर प्रकार से चाहता था कि उसका विलय हो। और इसीलिए 1856 में कितने कुशासन दिखाकर, यानी शासन अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया।
वो कहता है कि सिपाहियों में इस विलय के बाद एक गहरा अविश्वास भर गया था और वो सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह ने अपने नुमाइंदों को सेना की नबज जांचने के लिए भेजा, पूरे भारत में भेज दिया। उन्होंने सिपाहियों को भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजारों झूठ गढ़ डाले हैं और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें तो इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती। ये एक तरह से हम कह देंगे मतलब, और उसके बाद फिर संयोग से इसी समय सरकार ने हरेक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल करने का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा और इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाही शिक्षण दिया। और इसी दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाली कारतूसों पर गायें और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट यानी जो इसकी रेजिमेंट थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिख कर ये खबर भेजने लगे। जल्दी ही हरेक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया और कुछ लोगों ने कहा कि 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, अवध के कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी। यानी ये एक तरह से जो पांडे सीताराम पांडे हैं वो अपना संस्मरण उस समय का लिख रहे हैं। ये दोनों बातें ऐसी हैं कि जो 1857 की क्रांति के आसपास के संस्मरण जिसमें उस समय की जो भावनाएं बह रही थी जैसे अभी उन्होंने जिक्र किया, और 1857 की क्रांति के संदर्भ में एक और जिक्र मैं करना चाहूंगा कि जिस तरह से चर्बी वाले कारतूस की बात हम करते हैं और चर्बी वाले कारतूसों के साथ साथ हम एक बात भूल जाते हैं या फिर कई बार जैसे आजकल जो एक नया जो इतिहास लेखन में दृष्टिकोण आ रहा है जिसको हम सबल्टर्न पर्सपेक्टिव कहते हैं, और आजकल जितनी भी रिसर्च हो रही है वो मोस्टली जो सबल्टर्न पर्सपेक्टिव है उसके संदर्भ में ही हो रही है। क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि अब वो दिन बीत गए हैं जब नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव इंपीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव के तहत रिसर्च होते थे जिसमें केवल आम आदमी जो राजा था या फिर शासक वर्ग था उस इसकी ही बातें रखी जाती थी। अब सबल्टर्न पर्सपेक्टिव ये है कि मतलब एक तरह से जो सामान्य यानी जो हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो का कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने आता है उसके तहत रिसर्च हो रही है। तो एक जो रिसर्च सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ जिसमें हम कहते हैं कि मंगल पांडे पहला व्यक्ति था जिसको फांसी दी गई और जिसने अपने सबोर्डिनेट जो वो सबोर्डिनेट सैनिकों के साथ मिलकर के अपने अधिकारियों को गोली चलाई, एक अधिकारी को उसने मार भी दिया, दूसरे को घायल कर दिया और उसको 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई। 24 मार्च की घटना थी सारी, मगर ये बैरकपुर की घटना है। इसके बारे में एक बात और जो ध्यान में आती है, आजकल बैरकपुर की जो घटना है उसमें जो ध्यान में आती है उसमें एक और बात निकल कर सामने आई है, वो आई है कि 8 अप्रैल को मंगल पांडे से पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था माता दीन, उसको फांसी दी गई थी। मंगल पांडे दूसरा व्यक्ति था और उसके बाद उसके सैनिकों को यानी जो सहयोगी थे उनको फांसी दी गई थी। और मंगल जो माता दीन था उसके बारे में हमें इतिहास में कहते ना कि एक प्रचलन है
कि प्रचलन ये है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो इतिहास में उसकी गुणगान नहीं होगा, क्योंकि इतिहास लेखन के पीछे भी एक नजरिया रहता है, एक सब्जेक्टिविटी रहती है, और उस सब्जेक्टिविटी का सबसे बड़ा जो शिकार होता है वो आम आदमी होता है। आज भी जब आज का इतिहास लिखा जाएगा तो जो लोग आज के कोरोना काल में अगर सामान्य रूप से सहयोग कर रहे हैं, कोई गांव में फ्री राशन दे रहा है या कोई मेडिकल सपोर्ट दे रहा है, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति जो कैंटर चला रहा है, खुद अस्थमा का मरीज है और खुद सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन का, मगर वो फ्री में सिलेंडर बांट रहा है, फ्री डिलीवरी कर रहा है, मगर उसका इतिहास में एक दिन फोटो तो आ गया, मगर जब इतिहास लेखन होगा इस काल का तो उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। अभी नाम आएगा उसका, रिलायंस कंपनी का, जिसने अभी 400 बेड बनवाए हैं मुंबई में, 400 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनवाया, उसने तैयारी शुरू कर रखी, उन्होंने बनने वाला है, उनका नाम इस तरह के लोगों का आएगा जो बड़े व्यक्ति हैं, क्योंकि इतिहास लेखन के पीछे जो नजरिया रहता है वो नजरिया हमेशा उच्च वर्गीय रहता है। अब मंगल पांडे का नाम तो हम सब जानते हैं, क्योंकि समाज के एक जो हम कहते हैं ना कि प्रतिष्ठित जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसमें सबसे बड़े ऊंचे दर्जे से वो शामिल रहते हैं। मैं यहाँ पे कास्ट की बात नहीं कर रहा, मगर जो इतिहास का जो दृष्टिकोण है वो भी कई बार समझने की जरूरत पड़ती है। माता दीन बंगी था वो, यानी जो माता दीन था वो बंगी कास्ट से था, जिसे हम वाल्मीकि कहते हैं, और बैरकपुर वो जो मंगल पांडे था वो हर रोज गंगा स्नान करने जाते थे। वो एक दिन जिस लोटे से वो गंगा जल लेके वापिस आते तो माता दीन बंगी से उसकी भिड़ंत हो जाती है, और माता दीन बंगी कहता है कि पानी पिला दो, तो वो धिक्कारता है उसको और कहता है कि मतलब भाई तुम्हारे छूने से मैं अपने त्रिवेणी में दोबारा से स्नान करना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी उस समय की, क्योंकि व्यवहार में चीजें होती थी उस समय पर, जो अछूत थे उनको देखने से भी लोग अपवित्र हो जाते थे, तो उसने तो छू लिया था तो अपवित्र होना स्वाभाविक था। तो माता दीन बंगी उसको कहता है कि भाई मेरे छूने से तो तुम अपवित्र हो गए हो, मगर बैरकपुर में जो कारतूस बनाए जा रहे हैं उनमें तो सुअर और गाय की चर्बी लगी है, उनको आप मुंह से छीलते हो तब तो आप अपवित्र नहीं होते, आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। तो ये जो बात है ये मंगल पांडे को बहुत चुभ जाती है, और वो फिर इस चीज का पता लगाता है और वास्तव में ये चीज मिलती है, और उसके बाद फिर वो विद्रोह करता है। अंग्रेजों ने जब मंगल पांडे कोर्ट मार्शल किया तो उसका जो बयान लिया गया उसमें ये माता दीन बंगी भी सामने आया, इसको भी पकड़ा गया, और इसको यानी सेना में इस तरह की बात फैलाने के जुर्म के लिए इसको फांसी दी गई। तो ये भी कहानियां हैं, मगर कहते ना कि हम इतिहास हमारा इतना विस्तृत है कि हम हर व्यक्ति को याद नहीं रखते, हम केवल कुछ व्यक्तियों को याद रखते हैं, मगर जो हमारे जो आजादी की ये जो कहते हैं कि अमृत महोत्सव है, ये तरीका ही उस तरह का है कि इसमें जो भूले बिसरे लोग हैं उनको भी याद किया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं चारस्थान क्रांति के बारे में जो हमारे जो पूर्व स्पीकर हैं उन्होंने काफी अच्छी बातें हमारे सामने रखी हैं, तो दो चार बातें मैं भी आपके साथ शेयर की हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और यही बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो चारस्थान का जो विद्रोह है वो भारतीय इतिहास में का एक अविस्मरणीय अध्याय है, और उसने न केवल स्वतंत्रता संग्राम बल्कि आज भी वो हमें प्रेरणा देता है विभिन्न माध्यम से, और ये प्रेरणाएं हमें से इतिहास के माध्यम से हमेशा के लिए हमें मिलती रहेंगी। तो इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विश्राम देता हूं। अगर किसी विद्यार्थी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो हमारे चारों जो हमारे वक्ता थे उनके बारे में, या कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसा कोई संशय हो, तो उसके बारे में आप चाहें तो पूछ सकते हैं। मोहित, हितेश, बतेरी, प्रिया वगैरह कोई, प्रियंका,
तो फिर करें इसको कदम। तो मैं अपना हमारे जो इतिहास विभाग है उसकी उसके तहत आज जो ये स्पेशल प्रोग्राम हमने किया है उसका हम आज समापन करते हैं। और जो भाषण प्रतियोगिता थी उसका हम अभी 5-10 मिनट में आपके सामने रिजल्ट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर कर देंगे। आप सभी ने जुड़ा, इस मीटिंग में जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनीता मैडम, सवीन सर और अजय सर, आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने इस मीटिंग में उपस्थिति अपनी दर्ज करवाई और अपने बहुमूल्य विचार हमारे सामने रखे। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।